होल नंबर। ओके, तो देखिए दिस इज बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि व्हाट इज नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम वन। एंड होल नंबर्स इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, मींस लाइक होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इन इंफिनिटी। ओके, हियर यू सी एवरी नेचुरल नंबर्स लाई इन होल नंबर्स, मींस दिस इज नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ you can say that this statement is true, every natural number is a whole numbers, because natural numbers kaha lie kar raha hai, whole numbers mein, like this 0, 1, 2, 3, 4, this is natural number exists in whole numbers, so your first statement is, answer is true. Okay, every natural number is a whole number. So this is answer. Second, your second question is, every integers is a whole numbers. Your second question is, every integers is a whole numbers. This is the questions. अभी मैंने आपको बताया था कि जो integers होते हैं, integers किससे बना होता है? Integers is a collection of negative numbers and whole numbers. Means that जो इंटीजर्स होता है वो किससे बना होता है? निगेटिव नंबर्स से एंड होल नंबर्स का क्या है कॉम्बिनेशन। बट हियर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स, मींस जो सारे जो इंटीजर्स के नंबर है वो होल नंबर्स फॉर्म कर रहा है। देखिए जैसे आप जो इंटीजर्स है उसमें आप देखिए होल नंबर्स भी आ रहा है एंड और क्या आ रहा है निगेटिव नंबर्स भी आ रहा है। बट हियर क्वेश्चन इज आस्किंग कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर्स, सो दिस इज रॉन्ग। ये कैसा स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज इट कंटेन्स निगेटिव नंबर्स आल्सो। जो इंटीजर्स होता है उसमें निगेटिव नंबर्स भी कंटेन होते हैं, और इसीलिए ये इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो आंसर इज फॉल्स, बिकॉज इट कंटेन्स negative numbers as well. Okay, so this is your reason. Okay, मैं देखिए आपको answer भी दे रहा हूं और उसके साथ साथ उसका reason भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका पहला statement है वो कैसे क्या है? True है, because जो natural numbers है वो whole numbers क्या करता है? Lie करता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर,
तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स नेगेटिव नंबर्स आल्सो। इट कंटेन्स मींस जो आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स क्या क्या कंटेन करता है, नेगेटिव नंबर्स को भी कंटेन करता है, इसीलिए ये होल नंबर्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट योर थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी डेसिमल नंबर इज अ होल नंबर। योर थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी डेसिमल नंबर इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि फॉल्स, आइए देखते हैं। एवरी डेसिमल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए आपको बताया गया है जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या है। होल नंबर्स किससे स्टार्ट होता है, जीरो से, जीरो वन टू थ्री डैश डैश के इनफिनिटी। बट जो डेसिमल नंबर्स होता है वो किस फॉर्म का होता है, पी बाई क्यू फॉर्म का होता है। एंड आल्सो सो एवरी डेसिमल नंबर इज अ होल नंबर, दिस इज फॉल्स। The answer is false because this number is a form of 2 by 3, 1 upon 2, 3 by 4. Okay, so every rational number is a not a whole number. False because it contains 1 upon 2, 3 upon 2, 4 by 3, etc. means ये जो आपका statement third है ये क्या है, कैसा है, false है। क्यों? Because जो आपका rational numbers होता है वो किसे contains होता है, 1 upon 2, 3 upon 2, 4 upon 2, और ये होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। ओके,